रिलेशनशिप so, में हमने देखा था टू पार्ट्स थे बट उसका हमने सिर्फ वन टॉपिक कंप्लीट किया था रिलेशन रिलेशनशिप्स टू टाइप्स के रिलेशनशिप्स है वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज असोसिएशन ठीक है तो हमने इनहेरिटेंस के अंदर सिंपल सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल मल्टी लेवल फिर हायर की एंड मल्टीपल ये सारे इनहेरिटेंस oh. के टाइप्स देखे थे नाउ एसोसिएशन में हमें सिर्फ दो टाइप्स दिए हैं इसमें वन इज वन टू वन एंड वन टू मैनी ठीक है वन टू वन एंड वन टू मेनी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज वन टू वन में हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि वन स्टूडेंट हैज वन आई डी या वन आधार कार्ड ठीक है जैसे अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है वन कार हैज वन ठीक है तो ये एग्जाम्पल हो सकते हैं वन टू वन के कि अगर हमने दो क्लास बनाए कार और एक इंजन का तो बस उन दोनों के बीच में ही रिलेशन बनेगा दैट इज वन टू वन एक कार है तो उसके अंदर एक ही इंजन वन स्टूडेंट है उसके पास वन आईडी ओनली वन टू मेनी में क्या देख सकते हैं हम एग्जाम्पल्स में रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए लाइक like अगर वन स्टूडेंट एंड मल्टीपल सब्जेक्ट इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ही स्टूडेंट है और उसके मल्टीपल स्टूडेंट है या मल्टीपल एड्रेसेस है फॉर एग्जाम्पल परमानेंट एड्रेस है टेम्पररी एड्रेस है उसके नेटिव प्लेस का एक एड्रेस है इस तरह से आप वन टू मेनी के एग्जाम्पल्स ले सकते हो बट इसमें भी हमें क्लास ही बनाना है जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास बनेगा आधार कार्ड नाम का एक क्लास बनेगा और उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है ठीक है तो ये वन टू वन में कौन क्या आएगा वन टू वन यानी कि वन क्लास का रिलेशन दिखाएंगे अदर क्लास के साथ वन टू मैनी यानी कि अगर एक ही स्टूडेंट है बट उसके एड्रेसेस मुझे अगर अलग अलग प्रोवाइड करने हैं तो वो हम किस तरह से एक ही क्लास के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे ठीक है तो अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल वन टू वन का तो यहाँ पे क्लास हम लोग क्रिएट कर लेते देखो एक क्लास बना लिया मैंने अगेन स्टूडेंट स्टूडेंट अभी है यहाँ पे तो स्कूल स्कूल स्टूडेंट ऐसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट नाम से और हमें एक क्लास uh, क्रिएट करना है जिसमें उसके आधार का डिटेल भी हम स्टोर करेंगे तो सपोज यहाँ पे हम आधार नाम से भी एक क्लास बना लेते तो अभी स्टूडेंट के पास उसका क्या डेटा हो सकता है लाइक like, स्टूडेंट के पास है उसका फर्स्ट नेम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और भी कुछ आपको लेना है लास्ट नेम तो भी ले सकते हैं स्ट्रिंग में और आधार के अंदर भी सपोज सेम फील्ड अगर है कि आधार कार्ड के ऊपर भी उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता है ना प्लस आधार कार्ड के ऊपर हमारा आधार नंबर भी रहता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार नंबर जो है और उसका डेटा टाइप नंबर ठीक है तो यहाँ तक हमने बस क्या किए दो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाए हैं अभी तक उनमें कुछ भी रिलेशन नहीं है तो क्या है कि ये जो आधार कार्ड है वो इसी स्टूडेंट का है मतलब स्टूडेंट का स्कूल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है कुछ तो और आधार कार्ड के ऊपर भी सेम वही नेम होगा और सेम वही लास्ट नेम होगा खाली आधार कार्ड के ऊपर उसका आधार नंबर भी होगा मतलब ये आधार नंबर का जो वेरिएबल हमने इस क्लास के अंदर बनाया है वो हमारे इस क्लास के अंदर आप को मेंशन नहीं किया है उन्होंने तो बस मुझे क्या करना है कि ये जो आधार कार्ड है ये इस स्टूडेंट का है ये दिखाना है मतलब इनका रिलेशन दिखाना है तो अभी जैसे कि हमने देखा था हम यहाँ पर एक्सटेंड्स लिखे स्कूल एसटीडी लिखेंगे तो ये हमारा इनहेरिटेंस में सिंपल इनहेरिटेंस हो जाता है और सिंपल इनहेरिटेंस जो है वो क्या था वन वे था वन वे था यानी कि मेन क्लास की प्रॉपर्टी ओनली वी कैन शेयर टू मतलब पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी थी वो बस हम शेयर कर पाते थे चाइल्ड क्लास को यहाँ पे आप टू वे कर सकते हो यानी कि अभी जो आधार के अंदर की जो भी प्रॉपर्टी है सपोज वो स्कूल एस नाम के क्लास में भी दिखे तो दिखाने का तरीका बस अलग रहेगा बाकी सेम ही है रिलेशनशिप में अब यहाँ पे किस तरह दिखाएंगे कि यहाँ पे भी आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लाइक आधार नाम से मैंने सपोज एक वेरिएबल बनाया टू स्टोर दिस आधार इनसाइड द स्कूल एस तो एक वेरिएबल बनाया अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे क्या चाहिए इस क्लास को स्टोर करना है तो इस क्लास का जो की है मतलब इस क्लास का जो नाम है वो लिखना है मतलब आपको बस इतना काम करना है इतना ही लिखना है इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए तो अभी जैसे आप देख सकते हो कि हमने आधार नाम का जो क्लास है वो हमने स्कूल स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर ले रखा है यानी कि आधार क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी लाइक आधार नंबर भी होगी वो भी इस स्टूडेंट के पास आ जाएगी क्योंकि ये आधार उसी स्टूडेंट का है तो इसीलिए हमने बस उन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया ठीक है अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया है अभी क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि यहाँ पे लाइक अगर मुझे स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाना है तो एस नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे न्यू और यहाँ पर अपने क्लास का नाम आएगा ठीक है यहाँ तक हमने परफेक्टली कर लिया लेकिन अभी तक हमने वैल्यूज नहीं भरी है वैल्यूज यानी कि क्या फर्स्ट नेम है क्या लास्ट नेम है और क्या आधार नंबर है वो वैल्यूज को अभी तक हमने स्टोर नहीं करा है तो वैल्यूज को किस तरह लिख सकते हैं हार्ड कोडेड में भी हम लिख सकते हैं या तो फिर हमने देखा था कि यूजिंग द कंस्ट्रक्टर हम वैल्यूज को भर सकते हैं क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का यूज करके तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ स्कूल स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हम वैल्यूज को फील करेंगे लाइक like देखो हार्ड कोडेड में कुछ इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वैल्यू को लिख सकते हो मतलब कि मैंने क्लास के अंदर वेरिएबल लिया है फर्स्ट नेम उस फर्स्ट नेम के अंदर की वैल्यू भरने के लिए अगर कंस्ट्रक्टर का यूज आपने किया है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वेरिएबल को आपको दिस कीवर्ड के साथ यूज करना पड़ेगा बट अभी है तो एवरी टाइम मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊ इस स्कूल स्टूडेंट के हमेशा वो आपको एक ही नाम और एक ही नंबर प्रिंट करके देगा इसीलिए हम यहाँ पे हार्ड कोडेट में वैल्यूज को स्टोर नहीं करेंगे ठीक है तो अगर इस तरह नहीं करेंगे वैल्यूज को स्टोर तो कैसे करोगे आप बाई पैरामीटर uh, के जरिए पास कर सकते हो जो आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जावास्क्रिप्ट के सेशन में या इससे पहले भी हमने किया था कि हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक पैरामीटर अब आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो जैसे कि आपको एफ नेम लिखना है आप एफ नेम का वेरिएबल भी ले सकते हो इस एफ नेम के अंदर क्या करेंगे इस फर्स्ट नेम को स्टोर करेंगे या फिर आपको सेम नाम रखना लख, लख, है ताकि कंफ्यूजन ना हो तो वैसे भी कर सकते कि मैंने वही नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है और एक लास्ट नेम का भी लेना पड़ेगा यहाँ पे वही नाम ले लेते हैं लास्ट नेम के अंदर भी क्या है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग ठीक है एक और वेरिएबल भी है आपके पास देखो आधार तो इसे भी लेना पड़ेगा हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर आधार की डिटेल्स भी तो डालनी है अब ये आधार क्या है ये तो ना ही कोई ये जो मैंने इसके आगे लिखा है ये तो ना कोई स्ट्रिंग है और ना ही कोई नंबर है तो यहाँ पे हम उसका डेटा टाइप क्या लिखेंगे तो हम यही की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे कि ये एक क्लास का नाम है तो इट इज़ आपको वो क्लास का नाम ही वहां पर लिख देना है ठीक है अब हमें क्या करना पड़ेगा वैल्यूज को भरने के लिए यहाँ पे एक सेकेंड है गाइस अरे शॉर्टकट एक क्लास बना लिया है हमने स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिया है हमने आधार नाम का अब हमने स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का जो डेटा है वो ले रखा है लाइक like हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया है लास्ट नेम लिया है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिर हमने आधार के अंदर भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आधार नंबर बिकॉज जो आधार कार्ड हम बना रहे हैं वो इसी स्टूडेंट का है तो उस स्टूडेंट का आधार डिटेल हम उसके आधार के क्लास में लिखेंगे अब हमें क्या करना है कि आधार को स्टूड स्कूल स्टूडेंट नाम के क्लास के साथ कनेक्ट करने के लिए एक वेरिएबल लिया हमने जो कि आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक एक्स वाई जेड जो भी आपको लिखना है नाम लिख सकते हो बट इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करोगे दैट वैल्यू शुड भी इस क्लास का नाम होना चाहिए आधार जो हमने यहाँ पे ले रखा है तो यहाँ तक हमने सिर्फ वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उसके अंदर हमने वैल्यूज को फिल नहीं करा तो वैल्यूज को फिल करने के लिए हम जो है यूज करते हैं यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर का तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ले है यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग है हमारे पास फिर लेना पड़ेगा हमारा लास्ट नेम जो कि अगेन स्ट्रिंग रहेगा यहाँ पे फिर हमारे पास एक और वेरिएबल है आधार नाम का जिसके अंदर हमने क्या रखा है आधार नाम का क्लास रखा है तो वही आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लास ये कोई नंबर और स्ट्रिंग नहीं है इसीलिए ठीक है तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम आएगा फिर यहाँ पे दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम आएगा फिर यहाँ पे आधार अभी इस आधार सॉरी uh, यहाँ पे अगेन आपको दिस डॉट की का नाम लिखेंगे आधार इज इक्वल्स टू अभी इस आधार के अंदर क्या है ये है ना वैल्यू तो वही आपको लिखनी है यहाँ पे वापस सॉरी वैल्यू नहीं लिखनी है इस आधार के अंदर हम ये वाली की स्टोर कर रहे हैं ना तो वही की हमें यहाँ पे स्टोर करनी है अब अगर हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर थ्रू अगर हम कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर के जरिए हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आधार ले रखा है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पास करते क्लास जहाँ पे हमने क्रिएट किया है वहां पे तो फर्स्ट नेम लिखना है आपको फिर लिखना है यहाँ पे लास्ट नेम कॉमा अब थर्ड चीज क्या बोलिए देखो फर्स्ट नेम लिख लिया लास्ट नेम लिख लिया थर्ड चीज आपको बोलिए कि आप अपना आधार लिखो अभी आधार क्या है अगेन यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या नंबर तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर आधार का नंबर लिखू ठीक है तो मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगेन मुझे इस आधार के अंदर भी वैल्यूज को भरनी पड़ेगी देखो आधार नंबर देना है एक सेकेंड ओके okay, तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लिए फर्स्ट नेम स्टोर कर लिया है लास्ट नेम स्टोर कर लिया है थर्ड चीज़ आपको ये आधार भरनी है आधार के अंदर आधार नंबर है नहीं हमारे पास तो हमें इस आधार की भी वैल्यूज को भरना पड़ेगा तो यहाँ पे वापस से आपको लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर अभी एक काम कर लेती हूँ यही कंस्ट्रक्टर जो मैंने यहाँ पे बनाया है ले लेती हूँ बिकॉज कॉमन फील्ड है उसमें फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है सिर्फ ये आधार का हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे क्या दिया आपको आधार नंबर तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आधार नंबर ठीक है आधार नंबर क्या रहेगा नंबर रहेगा हमारा फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम दिस आधार नंबर इज इक्वल्स टू दिस आधार नंबर ठीक है अगर आपको कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यूज फील करना आता है गाइस तो आपको ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा अब आपको आधार नंबर की वैल्यू भरनी है जैसे कि हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को भरने के लिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे वैल्यू भरी वैसे ही इस आधार के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल आपने लिए है उनमें वैल्यू भरने के लिए अगेन यू हैव टू मेक वन आई ऑब्जेक्ट आधार का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ए वन इज इक्वल्स टू न्यू आधार अभी इस आधार के अंदर भी मैं वही फर्स्ट नेम लिखूंगी और वही लास्ट नेम लिखूंगी और यहां पर आपको थर्ड चीज क्या पूछी है कि आपको नंबर लिखना है देखो आधार नंबर लिखो तो जो भी कोई आपका आधार नंबर रहेगा वो नंबर आपको लिखना है ठीक है अब ये जो ए वन है ना हमारा इस ए वन को यहाँ पे पास करेंगे हम लोग ये ए वन क्या है ए वन ऑब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट है इस आधार का ऑब्जेक्ट है इस आधार के अंदर आपको नाम भी मिल रहा है लास्ट नाम लास्ट नेम भी मिल रहा है और आपका आधार का नंबर भी मिल रहा है तो यही पूरा आपको यहाँ पर प्रिंट होकर भी आ जाएगा ठीक है तो सी एक बार वापस से देख लो स्टार्टिंग से कि हमने क्लास बनाया है स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया नेम हम, बट यहाँ पे आधार नंबर भी हमें लिखना था अब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमने स्टूडेंट के अंदर एक वेरिएबल ले लिया आधार और उसमें हमने ये क्लास का नाम पस, पास कर दिया हमारे आधार नाम का अभी तक हमने बस वेरिएबल लिए थे वैल्यूज डालने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया इसमें भी वैल्यू डालने के लिए कंस्ट्रक्टर लिया और क्लास के अंदर भी वैल्यू डालने के लिए कंस्ट्रक्टर लिया स्टूडेंट का डेटा दिखाने के लिए स्टूडेंट नाम का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लिखा बट थर्ड चीज जो कि आपको पूछ रहा था कि क्लास लिखो यहाँ पे नंबर लिखना था तो हम डायरेक्टली नंबर नहीं लिख सकते थे बिकॉज इसका आपको देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा था आधार लिखो आधार क्या है हमारा क्लास का नाम है तो क्लास का नाम कैसे लिखेंगे क्लास का नाम लिखने के लिए उसका ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा हमें तो हमने उस आधार क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर करा नंबर को स्टोर करा अभी अगर आप चेक करोगे कंसोल डॉट लॉग में एस टी डी वन ठीक है टर्मिनल न्यू टर्मिनल में जाके चेक कर लेते हैं टी एस सी फाइल का नाम है आर ई एल टू डॉट टीएस और नोड .js. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टूडेंट का डेटा है student class के अंदर का first name, last name, और उसी स्टूडेंट और उसी क्लास के, के अंदर उसके दो वेरिएबल प्लस हमने आधार भी स्टोर कर रखा था तो आधार का भी पूरा डिटेल मतलब ये स्टूडेंट का नाम है और इसी स्टूडेंट की आधार कार्ड के ऊपर की जो भी डिटेल्स है ना वो आपको यहाँ पर वो शो करेगा कुछ इस तरह से ठीक है क्लियर है ये एग्जाम्पल था हमारा वन टू वन का नाउ एक बार जस्ट आप चेक करो मैं ये पूरा फाइल आपको भेज देती हूँ रिकॉर्डिंग चेक करो और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फिलहाल के लिए मुझे एंड करना पड़ेगा एक्चुअली एक काम आ गया इसीलिए ठीक है वीडियो देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम वापस से एक बार ही कनेक्ट करके सॉल्व कर लेंगे okay.